नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केरल की प्रसिद्ध कंपनी प्रशांत पंचकेल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लोगों को रोजगार देने का दावा करती है। इसके सीएमडी प्रशांत पंचकेल का कहना है कि हम मदद प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार और मानवता का संदेश देते हुए आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के अवसर देते हैं। केरल के राज्य सरकार से सम्मानित केरल की प्रसिद्ध कंपनी गिवन टेक वर्ल्ड से मनाया अपना 5वां एनुअल डे। इस प्रोग्राम में पूरे भारत से पहुंचे थे लोग। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा इसमें मिलने वाली आर्थिक सहायता। इस दौरान हमारे मीडिया रिपोर्टर हरिकेश चौरसिया भी मौजूद रहे। उन्होंने इस सिस्टम की हर पल की बनाई खबर और लोगों के जाने उनके अनुभव। आइए चलते हैं केरल के कार्यक्रम स्थल पर हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया और देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं देश दुनिया में हर उन जगहों पर जाता हूं जहां कुछ अलग होने वाला रहता है। इस समय मैं मौजूद हूं केरला के त्रिशूर जिले में और अपने यूपी से मैं 3000 किलोमीटर चल के आया हूं कुछ अलग बताने के लिए। कुछ अलग यहां पर हो रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एनसीपी इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है जहां पर गिवन टेक नामक सिस्टम का 5वां एनुअल डे है। इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं और इसके जो प्रणेता है, इसके जो जो इंट्रोड्यूसर है, इसको चलाने वाले हैं हमारे प्रशांत पंचकेल सर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप ही हैं वो शख्सियत जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है, वो हमारे साथ में है। तो मैं सबसे बारे में थोड़ा सा पूछूंगा, आप अपनी भाषा में हमसे बात कर सकते हैं कि सर आपका ये जो गिवन टेक है, ये जो हाइड्रोजन है, इस सब का पूरा सर हमें थैंक यू सर, आपने मुझसे बात किया और आपने मलयालम में ये बातें की है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन सर के साथ करूंगा और सर से जानना चाहूंगा कि गिव एंड टेक और हाइड्रेशन क्या है। सर आप बताएं हमारे हिंदी दर्शकों को। प्रशांत जैसा कि इसके पहले कुछ समय पहले यहाँ के मुख्यमंत्री सर ने गिव एंड टेक को और उनके जो प्रमोटर हैं उनको कुछ रिवार्ड दिए थे, तो इसके पीछे मकसद क्या है? गिव एंड टेक को आगे किस तरीके बढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ है? वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी, जो केरला के मुख्यमंत्री जो रिवार्ड दिया था, मालापुरम में हमने एक स्पॉन्सरशिप दिया था, उसमें हमको स्पॉन्सरशिप अवार्ड दिया था। गिव एंड टेक का मेन मकसद क्या है सर, क्या करना चाहते हैं? गिव एंड टेक का मेन मकसद है कि हमारे जो आज के युग में जो बेरोजगारी बहुत ही बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि का जो हमारा जो आर्थिक वित्तीय संकट हमारे देशवासियों में हर परिवार में हो रहा है, उस आर्थिक वित्तीय संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारा गिवन टेक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हेल्थ इंपैक्टिंग का चलाया है। उसके अंदर हमारा एक सोशल सिस्टम बनाया है जिससे हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और उसके द्वारा वित्तीय जो संकट उत्पन्न हुआ है, आर्थिक वित्तीय सहायता, गिव हेल्प और रिसीव हेल्प आदान प्रदान करके हर व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है। क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, वो कठिन परिश्रम भी करता है। मैं खाली आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या ये आर्थिक वित्तीय सहायता जो आप लेन देन कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, ये क्या गवर्नमेंट से सपोर्टेड है या इसको हम लीगल तरीके से कर रहे हैं? हमारा जो भी है, हमारा जो प्रशांत पंचकेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें जो जिसका बिजनेस प्रोजेक्ट है हमारा गिव एंड टेक मॉडल, वो हमारा पूरा लीगलिटी के ऊपर काम चल रहा है और हम हमारे अकाउंट में कोई भी किसी भी कंज्यूमर्स का पेमेंट नहीं आ रहा पेमेंट के अलावा। बाकी जो भी जो पेमेंट जा रहा है, जो आर्थिक वित्तीय सहायता आदान प्रदान हो रही है, वो गिव एंड के रूप में वैलेट टू वैलेट हो रहा है। यानी हर भारतीय नागरिक इस सिस्टम को कर सकता है अगर अपनी आर्थिक आज़ादी को बढ़ाना चाहता है। हर देशवासी जो 18 साल उम्र से जो अधिक है, जिसका आधार कार्ड है, हर व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रमोद सर थे जो पूरा यूपी हेड है, हेड यहाँ पर मीडियम बनाए जाते हैं उनके हेड है, आपने पूरी जानकारी दी। अभी इस सिस्टम में और भी लोग आ रहे हैं, इस 5th एनुअल डे से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हम उनकी एक्सपीरियंस देखेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कहाँ से है और कब से कर रहा है और उनकी नज़र में, उनके दिमाग में ये गिव एंड टेक क्या है। इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है जहाँ पर पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और किस तरीके से काउंटर बनाए गए हैं और जैसे ये काउंटर उन राज्यों में हैं जिन राज्यों से ये लोग आ रहे हैं, ऐसे इधर भी काउंटर बने हैं। इन काउंटरों पे आप देख सकते हैं और इन काउंटरों पर कैसे यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को आपको दिखाया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर साथ में जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, क्या मैम? हाँ जी मैम, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर टेबल पर बैठे? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसको बैच दे रहे हैं। बैच कौन सा बैच? ये हमारा गिवन टेक का बैच है
ये गिव एंड टेक का लोगो है जिसे एक अलग पहचान बन रही है फिलहाल। थैंक यू मैम, आपने मुझे बताया। और भी एक यहाँ पर टेबल है, ये टेबल देखते हैं, ये काउंटर में जो लिखे हुए मलयालम भाषा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भाषा में यहाँ पर कुछ लिखा गया काउंटर, ऑल नॉर्थ इंडियंस यानी नॉर्थ के लोगों का यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि सर कहाँ से आप? आगरा उत्तर प्रदेश। और मैम आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। और सर आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर यूपी। कानपुर यूपी से हैं। तो आप लोग क्या यह अलग अलग स्टेज का ही स्वागत करने के लिए बोला गया है? जी जी, हमें उत्तर प्रदेश का कारभार मिला है और मैम है एमपी से, इन्हें एमपी का कारभार मिला है। तो हम लोग पूरे नॉर्थ जोन, जो हमारा 31 स्टेट में नॉर्थ जोन है, उस नॉर्थ जोन के जितने भी हमारे इस गिव एंड टेक फैमिली के जो भी सदस्य हमारे इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए तो वेलकम कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि एक अंदाजा बताइए कि सटोडिया में आज कितने लोग आने वाले हैं? लमसम 1000 से 1200 लोगों के हमारा स्टैंड है, तो उम्मीद है कि लगभग हमारा हॉल फुल होगा। तो चाहे सर कि अगर पूरे भारत से 1000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पर और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो भी और चीज़ें होने वाली है मैं उसको दिखाऊंगा। अब इसके बाद हम चलते हैं हॉल में और वहाँ का देखते हैं कि क्या वहाँ पर कैसे तैयारियाँ हैं। और 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला, उससे पहले की जानकारी आपको दे रहा हूँ, उसके बाद की जानकारी मैं आपको कार्यक्रम के बीच में और कार्यक्रम के बाद में देता हूँ। बहुत बड़ा अमाउंट है सर, कैसे तय करेंगे सर? मैं तो दो लोगों से जोड़ रहा हूँ,
साहब वो बोलता है मैं मैडम से बात करता हूँ, आप कहाँ से हुए? पूरा महाराष्ट्र से। तो इतना शोर जैसे रात के 11 बज रहे हैं, इतना एंजॉयमेंट क्या सीखे यहाँ पर, क्या अच्छा लगा आपको? जॉब छूट गया है, किसने पेंशन लिया है वो भी कर सकता है, रिटायर्ड है वैसे लोग भी कर सकते हैं सर, बहुत आसान है। जो मोदी साहब ने बोला डिजिटल इंडिया, वो पूरा डिजिटल इंडिया इधर से बन सकता है। डिजिटल इंडिया का भी यहाँ से एक आपको देखने को मिल रहा है, आसान तरीका बता दीजिए कि कैसे बेरोजगार साथी, कैसे जो यहाँ पर पैसों के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, एक छोटी सी नौकरी आती है तो हजारों की लाइन लग जाती है, वो लोग कैसे जीवन देखते हैं? इसके लिए क्या आसान तरीका ये की है कि सामने वाले के पास जाना जरूरी है, सामने वाले का पोस्ट बहुत जरूरी है, अगर आप सामने वाले के पहुँचते हैं तो उसकी जो मजबूरी है उसको पकड़ के हम उसको बता सकते हैं कि भाई तेरा काम करते करते तो पार्ट टाइम भी एक बिजनेस कर, पार्ट टाइम ही बिजनेस कर सकते हैं। और पाया क्या क्या आप कमा सकता है? वो तो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि वो काम कैसे कर, काम कैसे कर, अगर कोई आदमी हो तो। अच्छा देखिए, लोगों की समस्या सबसे बड़ी रहती है, कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं जी, उनका सम्मान भी खराब होता है, पैसा भी बर्बाद। सही बात, यहाँ पे भागने का सवाल नहीं होता क्योंकि हम कंपनी को दे नहीं रहे, क्योंकि जितना भी पैसा हम दे रहे हैं तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ चलता है। देखिए जो चीज़ें सर लोग बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको गिव एंड टेक डॉट वर्ड पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपके इन लोगों के उत्साह की वजह से आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं कि ये लोग क्या कुछ पा रहे हैं। तो आप लोग अपना उत्साह कैसे दिखाएंगे? अच्छा हो सकता है, इसकी जानकारी लीजिए और डिसीजन खुद कीजिए। सर एक दूसरे को सहायता करके दो से चार, चार से आठ कैसे जल्दी बनाए, अगर वो हम लोग एक चेन जुड़ते जाते और 100% वर्क करते तो निश्चित एक साल में हम लोग 85,95,000 में कमा सकते हैं। कार्यक्रम में आपने नौकरी नहीं है बेरोजगार उनको अपने साथ जोड़ लो, जोड़ लो जिनके पास नौकरी नहीं है बेरोजगार। मेरा नाम सर मैं पुणे से रविंद्र भोसले, उन्होंने अपनी बात रखी और ऐसे ही बहुत सारे लोगों से आपको मिलाया मैंने। अब आगे आपको सोचना है क्या करना है। जैसा आपने देखा कि आज मैं इस एनुअल फंक्शन में था और पूरा दिन आपको वहाँ के सारे कार्यक्रमों में स्वागत कराता रहा, अभी ये रात के 10 बजने वाले हैं और लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनके अनुभव को हम शेयर करते हैं, जानते हैं कि आज उन्होंने क्या देखा यहाँ पे, और उससे पहले हम यहाँ के स्टाफ के कुछ लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। बहुत बढ़िया था, जैसा हमेशा होते हैं, हमेशा हम सेलिब्रेट करते हैं, हर साल हम एक नया नया सेलिब्रेशन लाते हैं, और हमेशा की तरह इस साल भी बहुत अच्छा था। आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया। नहीं हमने तो एंजॉय किया, हमारे बहुत सारे कंज्यूमर ने एंजॉय किया। दूसरा चीज़ ये बताइए कि जो ये कार्यक्रम है ये हर साल चलते रहते हैं, तो भी प्लानिंग क्या क्या रहती है कंपनी की और लेके की आगे कैसे करना होता है इसमें? जो भी प्लानिंग है हमने स्टेज में बता दिया है और हमको देखना चाहिए, लाइव देखना चाहिए। ठीक है, हमारे जो ये कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे ये दर्शक हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम कैसा है, वो जानना चाहते हैं, थोड़ा आप बताओ कि कैसा होता है ये कार्यक्रम और किस पर्पस होता है, पर्पस क्या है इसका, उनको उद्देश्य क्या है? सेलिब्रेशन ही है, हमारा जो सेलिब्रेशन जो होने वाला है उसमें क्या अगली बार आपको कोई इन्विटेशन है, लोग आए अगली बार बढ़ चढ़ के? डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेलिब्रेशन होगा और हम
अभी नॉर्थ दिल्ली में होगा शायद, हो सकता है। ये स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बात की। अब यहाँ पर कुछ लीडर्स आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आप? रीवा एम पी से। तो एम पी से तो काफ़ी दूरी तय करके आप आए हैं। कितनी दूरी तय करके आए? 22 किलोमीटर। तो क्या ये यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया था कि आप अपने मन से आए थे? कैसा कर गए? क्यों आए थे? क्या गिव एंड टेक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें लोग अपोड़ते हैं, कमाते हैं? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं है, एक समाज सेवा है ये, और बहुत अच्छा लगा। 50% तो इसमें क्या हर कोई व्यक्ति जुड़ सकता है? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जुड़ सकता है। समाज सेवा निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जानकारी मैं आपको दिला रहा था, और वो ऐसा था कि यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं हम उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। सर क्या देखा आज आपने यहाँ पे? सर्वप्रथम तो मैं सभी भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। GreenTech.World जो कि एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, उसका 5th एनुअल डे मनाया गया। और मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा सर, GreenTech.World एक ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक विचारधारा पे काम कर रहा है। हमारा प्लेटफॉर्म वही काम कर रहा है जो हमारी भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश से गरीबी को उन्मूलन किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, और ये तभी पॉसिबल हो पाए कहीं न कहीं रोजगार की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए मुहिम। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, हमारे कई प्रोग्राम्स ऑनलाइन चलते हैं। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई डर जिसमें लोगों के पैसे फंस जाते हैं या उनके किसी प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसा भी सिस्टम में हो सकता है? देखिए सर, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा GreenTech.World जो कि गवर्नमेंट बाय प्रशांत फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, वो ना तो कंज्यूमर का 1 रुपये अपने अकाउंट में लेता है और ना 1 रुपये देने का वादा करता है। हमने एक म्यूचुअल हेल्प का सिस्टम दिया है कि हम एक साथ मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। मदद प्रणाली का एक सिस्टम है जिसको आप लोग बना रहे हैं। तो ये वो कंज्यूमर थे जो हमसे मिले और भी कुछ लोगों से जानते हैं, अंदर चलते हैं देखते हैं कि और लोगों क्या एक्सपीरियंस है। क्या है वो हमने देखा अंदर, अब बाहर हम लेते हैं अनुभव और जानते हैं कि लोग यहाँ से कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या सोच के आए थे और क्या यहाँ से पाए हैं और क्यों यहाँ पर आए थे। सर क्या नाम है आपका? सचिन देशमुख। कार में आप? छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। कितनी दूरी तय करके आए थे आप यहाँ? 1450 किलोमीटर से आए सर। तो क्यों आए थे? बस GreenTech का जो अपना 5th एनुअल एनिवर्सरी है और जो प्रशांत सर ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, वो हर घर में हमें ये GreenTech का जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको पहुंचाना है। मैं एक बात बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग की जैसी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, लोग सपने तो दिखाते हैं पूरे नहीं हो पाते, ऐसे कुछ बात इसमें भी है? वैसे देखा जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हुई नहीं, ये मेरी फर्स्ट कंपनी है जहाँ पे मैंने खुद के आईडी पे आज 2,11,000 अर्निंग किया है। मेरे वाइफ के आईडी पे मेरा 2,02,000 का 3,000 का अर्निंग हुआ है और मम्मी का आईडी ऐसा देखा जाए तो घर में आज 4.5 से 5 लाख। यानी एक अकेले व्यक्ति आप हैं जो पूरी फैमिली को कमा सकते हैं। यस बिल्कुल सर। तो इसमें पैसे का निवेश है, पैसे का लेन देन होता है? पैसे का लेन देन एज अ हेल्प हो रहा है सर। निवेश बोले तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, चेन मार्केटिंग नहीं है, कोई MLM का क्राइटेरिया नहीं है, सीधा सीधा ये प्रशांत सर ने हमको गिव हेल्प प्रोजेक्ट दिया है। ये अंडर सर्विस प्रोवाइडर एक्ट के अंतर्गत आता है जिसमें 18% हम GST पे करते हैं कंपनी को बतौर सर्विस टैक्स। यानी कोई भी बेरोजगार, कोई भी पैसा कमाने का इच्छुक व्यक्ति इसको समझ सकता है? यस सर बिल्कुल, अगर दिलो जान से अपने घर को चलाना चाहे, कितना भी बेरोजगार हो, उसको सिर्फ 2,681 से शुरुआत करनी है। कंपनी बतौर रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फीस सिर्फ 450 रुपए लेती है, उसके ऊपर 81 रुपीज हमको GST देना पड़ता है। जी क्यों, कितना सहमत है सर आप इनसे? 100% सर। कहाँ से आप? औरंगाबाद महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप भी हैं? जी सर। तो आप भी इस प्रोग्राम को देखने आए थे? जी राइट सर। कैसा अनुभव आपका? बहुत बढ़िया सर, मैं महाराष्ट्र से पहली फर्स्ट टाइम बाहर निकला हूँ, मेरा ट्रेन में फर्स्ट टाइम निकला हूँ और यहाँ पर स्टेज के ऊपर भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। और ये जश्न तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए, क्योंकि कल रात में ही मैं लखपति बना हूँ। क्या बात है, आप लखपति बने हैं? जी सर। कितने दिनों में? ओनली 1-2 मंथ 22 दिन में। 22 दिन में आप अपने कामों को छोड़ के क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मैं मेरे काम को करते हुए ये काम कर रहा हूँ सर। अपने काम को करते हुए भी कर रहे हैं क्या सर, ऐसा सही है? यस सही है। अपने काम को करते हुए इसको किया जा सकता है? यस बिल्कुल सर, क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप ऑफिस में काम करते हो, होटल में आपका खुद का छोटा मोटा व्यवसाय हो, आप ये सभी चीजें संभाल के आप ये इजीली पार्ट टाइम में ये चीज कर सकते हो। क्या नाम है आपका सर?
मेरा नाम है प्रतीक विपिन निर्मल और मैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ, यहाँ पर केरला त्रिशूर में। केरला त्रिशूर में संभाजी के लोग हमारे साथ मिले, उन्होंने अपनी बात की। हमारे साथ एक साथी और भी है, सर आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। थोड़ा सा इधर आए, रात का अंधेरा हो गया है तो आपका चेहरा नहीं थोड़ा सा लाउड लाउड। ये जो चीज़ें थी आज आपने जो देखा, इसे कितना सहमत है? ये तो अद्भुत था सर, अल्पनीय था। हम क्या कभी नहीं कल्पनी क्या मिला आवाज तेज, मतलब एक तो यहाँ पर काम करना भी एक अल्पनीय है और एक आज का जो इनका 5th एनिवर्सरी थी ये भी एक अल्पनीय है। एक चीज मैंने देखा सर, जो किसी भी कंपनी होती है उसके जो सेफ्टी होती है, जब कोई फंक्शन करते हैं बड़ी वहाँ पर व्यवस्थाएं रखते हैं, बड़ा ताम झाम रखते हैं, यहाँ किसी हम लोग मैंने टी शर्ट में घूमते हुए देखा। मैंने भी वही देखा, मैंने भी हमारे गुरुदेव जी हमारे रामलाल यादव जी हैं उनसे वही डिस्कस करा था सर, देखो हमारे सीएमडी साहब कितने एकदम मतलब सादा सिंपल स्वभाव के हैं और एकदम एक टी शर्ट में और एक जूता पहन के आराम से घूम रहे हैं और सबके साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सबके साथ विश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारत देशवासियों को इस सिस्टम को समझना चाहिए? समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है eventtech.world एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है व्यक्ति अपनी जिंदगी की सारी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी कर सकता है, बिल्कुल पूरी कर सकता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग साथी है, बुजुर्ग नहीं अब जवान है, हम जवान है। ये बातें मैं इसलिए बोला था कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं, ये जो पैसे कमाने की ललक होती है, वहाँ हर कोई जवान हो जाता है। देखिए मैं आपको बारे में बताना चाहूंगा, मेरा परिचय, मैं 33 साल सेल्स एंड मार्केटिंग का और मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब। कहाँ से है सर आप? मैं यूपी से हूँ, बेसिकली सुल्तानपुर मेरा नेटिव प्लेस है। यूपी से मैं हूँ और सर भी यूपी से, इसका मतलब लगभग 3000 की दूरी तय करके आप आए हैं फंक्शन को देखने। एट प्रेजेंट मैं रायपुर छत्तीसगढ़ रहता हूँ जो कि 2400 किलोमीटर है और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया से बहुत दूर था और मैं 33 साल सेल्स एंड मार्केटिंग और उसमें 20 साल एज ए मैनेजर। निप्पो बैटरी का नाम सुना होगा, कोकोराज कंपनी का नाम सुना होगा और पूरे हिंदुस्तान करते हुए आपने ऐसा क्या देखा जो जहाँ पर आप? मैं क्या रिटायर होने के बाद मेरा अगर टाइम नहीं निकलता था और जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ मैं लोगों को प्यार बांट रहा हूँ, लोगों को सहयोग बांट रहा हूँ और मैं मानवता इसमें जो लगा 50% मानवता और 50% व्यापार। ये मैं मानवता जो हमको सुनने को मिल रहा है मानवता, जो मानवता नहीं होता उसमें सिद्धांत होते हैं। देखिए मानवता जो है ना इस प्लेटफॉर्म में जब आप लोगों को बगैर किसी शर्त के हेल्प देते हैं तो वहाँ पे मानवता जागृत होती है और जब आपको बार बार करते हैं तो वो आपके हैबिट में आता है और आपके व्यवहार में बदलाव आता है। और मैं इससे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ उसका जवाब चाहिए। आप इतने एक्सपीरियंस रखते हैं कि जब आपने काम किया तो जो नए लोग हैं जो नए व्यापार के लिए या पैसा कमाने के लिए घटा कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या कहना है? उनको दिल से गिव एंड टेक को अपनाना चाहिए। जब हम कोई कार्य को दिल से करते हैं तभी सफलता आती है और जब आप दिखावा करेंगे खाना पूर्ति करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल, बच्चा माँ बाप के डर से कॉपी पलटता है तो पास नहीं होता, लेकिन वही बच्चा कुछ अपने करियर के लिए रात दिन एक कर देते हैं बिल्कुल सही बात कही। कोई भी काम अगर दिल से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। ये गिव एंड टेक डॉट वर्ड जो है इसको आप सर्च करें जाने और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी बहुत सारी खबरें मिलती रहेंगी जो आपके लिए खबर भी हो सकती है, आपके लिए रोजगार भी हो सकती है। तो मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं, साथ ही गिव एंड टेक डॉट वर्ड को सर्च करें, उसके बारे में जानें और अपनी आर्थिक आजादी को जो एक सपना होता है उसको पूरा करें। और हमारी एक पाठशाला चलती है सुबह 6:30 बजे और वो कंटिन्यू पिछले 7-8 महीनों से चल रही नॉन स्टॉप, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो चाहे 15 अगस्त। और सही जानकारी लेकर काम के स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही लोगों की तरह आपकी सफलता मिलेगी। कैमरामैन अर्पित साथ में ये जो से लाइव टीवी से, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।